नागरिकता कानून एनपीआर का विरोध कर रहे लोगों को भ्रमित बताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सासाराम में एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ एवं हवन समारोह का आयोजन किया। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने भी इस मौके पर हवन किया। सासाराम के शिवघाट पर यह आयोजन हुआ। कई हवन कुंडों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बीजेपी समर्थकों ने हवन किया। सांसद छेदी पासवान ने कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी पर कुछ लोग या तो खुद भ्रमित हैं या फिर दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। उनकी बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसलिए यह यज्ञ किया गया। हम समझते हैं कि देश को मजबूत बनाने के लिए सरकार अनवरत काम कर रही है, देश आगे बढ़े अनवरत का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ देश में भटके हुए लोग हैं, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। हम समझते हैं कि इसका असर पूरे बिहार में और पूरे देश में पड़ेगा। मुख्य रूप से बात है कि CAA के माध्यम से हम बोले हैं, अपने भाषण के दरमियान बोले हैं कि यह कार्यक्रम जो रखा गया है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, जो देश से भगाया जा रहा है, वैसे लोगों को नागरिकता देने की बात ये सरकार कर रही है, न कि नागरिकता समाप्त करने की बात कर रही है। कहीं भी नागरिकता समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ये देश सब लोगों का है, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं और देश तभी विकास करेगा। हवन या फिर यज्ञ करना देश हित में है, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक आयोजन प्रचार पाने या फिर राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब वो निष्काम भाव से किया जाए। ओंकार आवामी के लिए सासाराम से रंजन कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीण कार्य विभाग ने स्वच्छता मिशन के तहत मधुबनी जिले के 5 पंचायतों का चयन किया है। इस मिशन के तहत इन पंचायत क्षेत्रों में तरल और ठोस कचरे को इकट्ठा कर जैविक खाद बनाया जाएगा। इसके साथ ही जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों का कचरा जहां तहां नहीं फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जागरूकता रथ को मधुबनी के DM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घर घर से कचरा एकत्रित कर खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रीन बक्से में हमारा जो पंचायत में जाएंगे, जो 5 पंचायत हमने चुने हैं, राजनगर, बनीपति, खजोल, कलवाही, बाबूगढ़ी में एक एक पंचायत है, सरायनगर में 2 पंचायत है, तो वहाँ पे ये जाएंगे तो ग्रीन में जो है हाइजेनिक कचरा रहेगा, उसका जो प्रोसेसिंग किया जाएगा, और ग्रीन जो कचरा रहेगा उससे खाद वगैरह जो है कंपोस्ट या गैसीफायर से गैस वगैरह इत्यादि का जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। जहाँ मॉडल बनेगा वहाँ पहले सुपरवाइजर के माध्यम से पूरा उसको मॉनिटरिंग की जाएगी। सस्ता 2 मित्र चुने जाएंगे, सस्ता मित्र होगा, और वहाँ पे जो जैविक खाद होंगे, जैविक कचरे होंगे उसका खाद बनाया जाएगा, और जो अजैविक होंगे उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग सबको कवारी वाले को हो या यूज में लाया जाएगा। और हम लोग 4R पे काम करेंगे, एक ही कचरा कम हो ये कोशिश करेंगे सभी लोग। ग्रामीण हिस्से में गंदगी फैलाने की मुख्य वजह कचरा है। जागरूकता रथ के जरिए लोगों को जागरूक करने पर कचरा प्रबंधन के बारे में लोग सचेत होंगे और जहां तहां कचरा नहीं फेंकेंगे। कचरे से खाद बनने पर किसानों को फायदा भी होगा। ओंकार आवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट।